हेलो डूडिंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बैंकिंग भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इसमें आवेदन करना है। 21 जून 2023 फॉर्म की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप आवेदन जरूर से कीजिएगा। 8611 टोटल पोस्ट आपकी निकाली गई है। अब चलते हैं रोजगार इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां जाकर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम रोजगार इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस साइट का लिंक हमने अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन पर, तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन आपको कर लेना है। ऑल इट इज में सेकेंड नंबर आपको लिंक देखने को मिला होगा, आईबीपीएस आरआरबी 12th ऑनलाइन फॉर्म 2023। आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करो, आप सब न्यू पेज ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई, एक बार आप इसे रीड जरूर से कीजिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरआरबी रूरल रीजनल बैंक के लिए। यहाँ पर आपकी भर्ती निकाली गई है। एप्लीकेशन फीस जान लेते हैं, तो देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फीस है। आवेदन आपके 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट 21 जून 2023 है। जो आपका एग्जाम यहाँ पर होगा, एग्जाम की डेट देख सकते हैं 8 अगस्त 2023 है। और आपके जो एग्जाम एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम से बिफोर आ जाएंगे। फेज टू का जो एग्जाम है वो देख सकते हैं, आपके यहाँ पे सितंबर 2023 डेट दी हुई है। एज लिमिट जान लेते हैं, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल की एज है। ऑफिस स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल की आपकी एज है। सीनियर मैनेजर ऑफिस स्केल के लिए 21 से 40 साल है। अदर पोस्ट के लिए 21 से 32 साल आपकी एज इसमें है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल पर, तो देख सकते हैं 8611 टोटल पोस्ट आपकी इसमें निकाली गई है। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी डिवाइड की गई है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं 5538 पोस्ट है। बैचलर डिग्री आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ऑफिस स्केल 1 के लिए देख सकते हैं आपके यहाँ पे 2485 पोस्ट आपकी निकाली गई है। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑफिस स्केल जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए। आपके यहाँ पे जो पोस्ट है वो 332 पोस्ट है। बैचलर डिग्री आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ऑफिस स्किल सेकेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए देख सकते हैं 67 पोस्ट आपकी निकाली गई है। 67 पोस्ट निकाली गई है, इसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी है इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 21 पोस्ट है। इसमें आपकी यहाँ पे पास मांग गया है, सीए का एग्जाम आपने यहाँ पे पास किया, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर के लिए 24 पोस्ट है। बैचलर डिग्री एलएलबी में आपकी यहाँ पर मांगी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेजरी ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए 8 पोस्ट है। इसमें आपकी जो डिग्री मांगी गई है सीए की और एमबीए आपकी फाइनेंस की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए आपकी जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है। मास्टर इन बिजनेस आपके यहाँ पे एमबीए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मास्टर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए। यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो 60 है। बैचलर डिग्री आपकी मांगी है इन एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिसर स्किल थर्ड के लिए। यहाँ पर आपके 73 पोस्ट निकाली गई है। बैचलर डिग्री आपकी इसमें मांगी है किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो। अब आ जाते हैं सम यूजफुल इंपोर्टेंट लिंक्स पर। लिंक्स में गाइस देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको देखने को मिला होगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ऑफिसर स्केल स्केल सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर आपको अलग अलग लिंक देखने को मिले होंगे। आप जिस भी पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ऊपर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के लिए आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स दिया हुआ है। आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को भी रीड जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एज रिडक्शन दिया हुआ है। एज में रिडक्शन आपको कितना मिलने वाला है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो उसमें आवेदन करना चाहते हैं वो एक बार इस नोटिफिकेशन को भी रीड जरूर से कर लीजिएगा, उसी के बाद जाकर आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। फिर मिले किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, प्यार देते रहिए। हम आपके लिए नई नई रोजगार वीडियो पर लाते रहेंगे। ये वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक जरूर से कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें।